तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा निंजा 300। ओह माय गॉड, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा है। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज जेसवन ब्लॉग्स। तो गाइस ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, तो अभी मैं जा रहा हूँ कावासाकी भुवनेश्वर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं हाईवे पे हूँ, तो ये मेरा पल्सर पे अभी जा रहा हूँ। तो वैसे ही अभी हम रोड पे निकल चुके हैं, हाईवे पे हैं अभी भुवनेश्वर के रोड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। तो ये अभी हम भुवनेश्वर पे पहुँच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे ओवरब्रिज पे, ये जो हमारा जयदेव विहार ओवरब्रिज है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अभी बहुत ही तो हम लगभग 1 या 2 किलोमीटर के दूरी पे हैं जो कावासाकी भुवनेश्वर का शोरूम है। तो चलिए चल के शोरूम में देखते हैं हमको कौन सी बाइक, जो हमारा जो निंजा 300 बाइक अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं, वो अभी अवेलेबल है या नहीं देखते हैं। तो ये अभी आ चुके हैं कावासाकी भुवनेश्वर की तरफ। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा निंजा 300 का है, अभी साउंड टेस्ट चल रहा है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इसको अभी ऑन किए हैं और उसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है, इसका साउंड कैसा होता है। तो प्लीज़ आपका जो हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा इस, क्योंकि इसका जो साउंड की क्वालिटी आप हेडफोन या ईयरफोन की तरफ ही जान सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ZX10R कैसे यहाँ पे अग्रेसिव लुक के साथ खड़ा हुआ है। तो हमारा सब G900 G650 ये सब सारे बाइक हमारा साइड पर खड़ा हुआ है। तो ये अभी ऑन किए हैं इंजन को, इसीलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं। देख सकते हैं इसका लुक कैसा है, पीछे वाला चलना कैसा है। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा जब यहाँ पे इसका एक्सेलरेट कर रहे हैं, देख सकते हैं इसका टोटल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दे रहा है, इसका साथ थोड़ा जब देख सकते हैं। ओ भाई गजब है गाइस, तो आप ओ माय गॉड, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा है, इसका लाउड है, कितना लाउड है, इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है इतने में ही ये इतना लाउड है। तो ये अभी आप देख सकते हैं गाइस, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ बैठने का यहाँ पे। ये जो बाइक जिस पे अभी मैं बैठ रहा हूँ, ये हमारा कावासाकी 1000 है, ये 1000 CC का बाइक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या ही बताऊँ आपको, इसमें बैठने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कावासाकी शोरूम से रिटर्न। तो हमने जो कावासाकी 300 को उसका बातचीत करके आए हैं, अभी तो फिलहाल एक ही पीस अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल हो जाएगा वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। और एक बात गाइस, मेरा जो पहला वाला ब्लॉग है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, तो इस वाले ब्लॉग को थोड़ा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस, इस वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो को यहीं तक खत्म। I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Who did you?